आज हम दिल्ली सरकार से कह रहे हैं, अगर ऐसी सरकार भविष्य में दोबारा आए तो बिल्कुल मत आए। हमारे साथ दोनों राजनीति खेल रही है, आप सरकार और बीजेपी, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो हम कहाँ जाएंगे हालत में, अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए। सर एक चीज कहना चाहेंगे, धरना नहीं होगा, आपकी मरना होगा। इनका गुजारा कैसे होगा, इनके बच्चे कैसे पलेंगे? एक महीने से, दो तीन महीने से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, रोज फीस के लिए बोल रहा है, मैं उसकी फीस नहीं दे पा रही, घर में राशन नहीं है, किराए में रहती हूँ मैं, रेंट नहीं दे पाई मैं, खरे क्या बताओ क्या करें। तो किसी बार वोट के टाइम तक एक वोट मांगने आते हैं, अभी कहाँ पे है, अभी अपना अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सर फरोसी की तमन्ना हमारे दिल में, देखते हैं केजरीवाल की ताकत कितनी है। दोनों सरकार से हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं आपको कि हमारा मेहनताना दीजिए। बहुत मुश्किल हो गया है कि समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं, मन तो ऐसा होता है कि सुसाइड ही कर ले बस। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय के बाहर मौजूद हैं। मैंने कल की आपको तस्वीरें दिखाई थी, जिस तरीके से सिविल डिफेंस के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं, जो मार्शल एंड डीटीसी बस के, वो प्रदर्शन कर रहे थे। और जब सुबह के 4 बजे तब इन लोगों को इस तरीके से गाड़ियों में भरा गया, प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया और इस पूरे रोड को आप देखेंगे खाली करा दिया गया। तमाम जितने भी कर्मचारी थे उनको यहाँ से भरकर खाने में जाया गया है, बताया ही जा रहा है। कुछ कर्मचारियों को नरेले खाने में जाया गया और कुछ कर्मचारियों को पवाना खाने में ले जाया गया। बातचीत करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बचे हैं और जानते हैं क्या कुछ हुआ। सर अब क्या बताएं आपको, हम इतने बुरा हाल है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, दिवाली का त्यौहार है, कितने बच्चे को बुरा हाल है, बीमार है बच्चा, करते हैं कमाने के लिए कोई है नहीं। हम लोग कमाते हैं जिससे हमारे घर का गुजारा होता है। जब कोरोना वायरस चला था हमने दिन रात एक दिया, अपने आप को मतलब सेफ ही नहीं समझा हम लोगों ने, हर चीज़ से कोऑपरेट किया, पर आज हमारे साथ ये हाल हो रहा है, अब तो हमें सड़कों से भगाया जा रहा है। बताओ हम क्या करें, कर बताओ क्या करें, बताओ क्या कुछ हुआ था। कितने बजे आई थी पुलिस? सुबह 4 बजे आई थी, लेकिन 4 बजे के बाद यहाँ पे जब लोग लैट्रिन बाथरूम के लिए, यहाँ पे हमारी संख्या कम हुई और उसके बाद इन्होंने सर ये हम बिखेर रहे हैं, हम लोगों को बिखेरा जा रहा है कि आधे इधर बांट दे आधे इधर बांट दे, इकट्ठे नहीं करने। अब यहाँ पे धारा 144 लगा रखी है कि यहाँ पे आप इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब किस लिए लगा रहे हैं? हम अपना मतलब मेहनताना मांग रहे हैं, मेहनताना तो मांग रहे हैं हम अपना, और मांग क्या रहे हैं हम? दिवाली का त्यौहार है, हमारे त्यौहार का दिवाला बना दिया उसने, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि हम गरीब आदमी हैं, हम सभी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सभी, हम सभी को हमारा मेहनताना दीजिए। हम सभी आप सभी से, दोनों सरकार से हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं आपको कि हमारा मेहनताना दीजिए। हम भी यही कहते हैं हाथ जोड़ के, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बुरा हाल है, घर में दवाई तक के लिए पैसे नहीं है। हमसे केजरीवाल जी से विनती करते हैं कि हमारा मेहनताना दे दें। कितने पुलिस वाले थे उस वक्त और आप कितने लोग थे टोटल जिन लोगों को भरके ले जाया गया? हमारी तादाद कोई 250 से 300 बंदों की थी यहाँ पे रात में, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब लैट्रिन बाथरूम के लिए गए थे तो यहाँ पे थोड़ी हमारी संख्या कम हुई और उसके बाद इन लोगों ने गाड़ी मंगाई और हम लोगों को भर के ले गए यहाँ से उठा के। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हम इसमें 8 साल से काम कर रहे हैं सर, और 8 साल से कर रहे हैं। अभी तो हमने कोरोना में ड्यूटियाँ करी, हर जगह ड्यूटियाँ करी है। अब हम जब हमारी सैलरी की बात आ रही है, हमारे बच्चे घर पे भूखे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कल एक लेडीज़ 3 साल की बच्ची अपनी गोद में लेके यहाँ पे आई है, उस लेडीज़ तक को लेके गए हैं ये, कोई लेडीज़ प्रेगनेंट है वो भी आई है यहाँ पे, उसको भी लेके गए हैं। इतनी नाइंसाफी क्यों हमारे साथ में? 6-6 महीने की सैलरी बहुत होती है, 1.5 लाख रुपये तक रो नहीं पा रहे हैं हमारी, रो नहीं पा रहे, सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम बता नहीं पा रहे, आँखों में आंसू है पर हम किसी को बयान नहीं कर रहे। देखो मैडम रो रही है, इनके मैडम की आंखों में आंसू, देखिए देखिए इनके हस्बैंड भी नहीं है, क्या कह रहे हैं? और रेंट पे रहती है मैम, इनके हस्बैंड भी नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं, बेटा है, और 5 महीने से रेंट नहीं दिया है इन्होंने। ऐसी कंडीशन है कि खाने पीने की भी नौबत आ गई, कुछ भी नहीं है इनके। कविता जी कितने साल से काम कर रहे हैं? सर 4 साल हो गए मुझे, सिविल डिफेंस तो पहले से ज्वाइन था, लेकिन जब से केजरीवाल सर आए थे उन्होंने हमारे रोजगार दिया, हमें रोजी रोटी दी, लेकिन अब इस मोड़ पे ला के छोड़ दिया, ना हम घर के रहे ना काट के रहे, बच्ची का पालन पोषण ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, 5 महीने हमें किराया नहीं दे पा रहे। कल शाम से जैसे पता चला, जैसे हमारे घर में चूल्हा तक भी नहीं चला, कल
कितनी सैलरी आपको मिलती थी? सर पर डे के हिसाब से मिलती थी 844 के हिसाब से। कब से सैलरी आनी बंद हुई? सर 5 महीने हो गए, 5 महीने सैलरी नहीं आई। देखिए 5 महीनों से सैलरी नहीं आई है, महिला की आंखों में आंसू हैं, महिला लगातार ये सोच रही है कि आखिर क्यों प्रशासन व्यवस्था इनकी बात नहीं सुन रहा है, इनकी बात नहीं समझ रहा है। आप सोचिए, ये महिला है कविता, और आज प्रशासन से सवाल है, आज व्यवस्था से सवाल है कि आखिर क्यों इनकी सैलरी नहीं दी जा रही है, इनको अपने बच्चों की फीस देनी होती है, एक एक खर्चे कैसे चल रहे हैं। हम तक कर्जा ले लेके हमने किया, अब कर्ज वाले भी नहीं कर्जा दे रहे हम लोग, बहुत मुश्किल हो गया है कि समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं। मन तो ऐसा होता है कि सुसाइड ही कर ले बस। दिल्ली सरकार सर पहले तो ये कहती है कि अब महिलाओं की सुरक्षा कर दें, बताइए अब ये रात को आके लड़कियां भी लड़के भी छोटे छोटे बच्चों को लेके धरने पे बैठे हुए हैं, अब दिल्ली सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, अब नहीं दिखाई दे रहा कि ये भी बेचारे बच्चों की फीस नहीं भरी गई है, या तो ये वैकेंसी नहीं निकालते जब इन्होंने बच्चों को अंधकार में रखा, ये तो अब उनको ही पता है औरों को नहीं पता। पहले इन लोगों ने वैकेंसी निकाल ली, भर्ती कर लिया, अब उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा कि एलजी साहब कर रहे हैं कि केजरीवाल सर कर रहे हैं, कुछ नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। हमको तो एक बॉल की तरह कभी इधर फेंक दिया जाता है, कभी इधर फेंक दिया जाता है, समझ में नहीं आता कि हमको जाना किधर है। उनके पास जाते हैं एलजी हाउस तो वो कह देते कि हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं है। कैसे कैसे आप लोगों का गुजारा हो पा रहा है? सर गुजारा तो खैर बहुत बुरी हालत से हो रहा है, ये तो आपको भी पता है, 6 महीने से जिसकी सैलरी नहीं आई हो उसका गुजारा कैसा होगा। मगर आज हम दिल्ली सरकार से कह रहे हैं अगर ऐसी सरकार भविष्य में दोबारा आए तो बिल्कुल मत आए, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली वासी हैं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हम लोगों के साथ बुरा कर रही है, हम लोग भी दिल्ली वासी हैं और हमारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है इस टाइम। इन मैडम का भी बहुत बहुत अगर ऐसी सरकार आज हमारे साथ दोनों राजनीति खेल रही है, आप सरकार और बीजेपी, और भविष्य में ऐसी सरकार नहीं आई और ना आए। और अगर देखिए महिला रो रही है, वो तो हमें नहीं चाहिए, हमारी ओवरएज होगी, हम कहाँ जाएंगे इस हालत में, अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए। कैसे गुजारा कर पा रहे हैं आप लोग ऐसे में? ये तो आप लोग खुद समझ सकते, जहाँ पे 5 महीने की सैलरी नहीं आएगी कैसे गुजारा कर सकते हैं, कर्जा ले लेके बस घर चल रहा है, किस तरह बस खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं ये नहीं पता। देखिए सभी की आंखों में आंसू है, पर इन आंसुओं को देखने वाला आज कोई नहीं है, ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री इनकी बात सुन रहे हैं, ना ही कैलाश गहलोत इनकी बात सुन रहे हैं, कोई सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है। सर एक चीज कहना चाहेगा, आपकी धरना नहीं होगा, आपकी मरना होगा, या मरेंगे अगला आपकी धरना खत्म है आपकी, आपके मरेंगे। सर आप ये बताइए, अब इनके हस्बैंड नहीं है, सर इनके हस्बैंड नहीं, इनका गुजारा कैसे होगा, इनके बच्चे कैसे पलेंगे, एक हस्बैंड होता तो घर चलता है, इनका तो हस्बैंड ही नहीं है तो कैसे घर चलेगा, सरकार बताए ना कैसे चलेगा घर, बच्चे। देखिए बच्चों की जिम्मेदारी आखिर कैसे महिलाएं निभाएं, आप सोचिए। सर मेरे बच्चे की ना वैसे ही सरकारी स्कूलों में वो कर रहे हैं कि बच्चों को अगर स्कूल भी तो बच्चा जाएगा, लड़कों को थोड़ी क्या कह रही है, 1 महीने से 2-3 महीने से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, रोज फीस के लिए बोल रहा है, मैं उसकी फीस नहीं दे पा रही, घर में राशन नहीं है, किराए पर रहती हूँ मैं, रेंट नहीं दे पाई मैं, करें क्या बताओ क्या करें, तो मर ही जाते हैं यहाँ पर आके, वो तो बाहर आएंगे नहीं कैसे, वो कई साल मरने वाली नौबत हो रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, अगली बार ताना लगा देंगे, जहर खाएंगे यही मर जाएंगे, काफी लोग तो हारे, हमें तो कर्जा ले रखा है, हमारे घर पे रोज आ रहे हैं आने भाई, हमारा पैसा 2-4 लाख का कर्जा रखा है हमारे ऊपर, 6 महीने की सैलरी मायने होती है 1.5 लाख रुपए सैलरी, कहाँ जाए हम लोग, क्या करें यहीं पे अपनी जान में, तो यही मर जाए, कहा केजरीवाल, कहा एल जी, कौन कर रहा है हमारे साथ ऐसा, कोई तो जवाब दो, केजरीवाल वोट के टाइम तक एक वोट मांगने आते हैं, अभी कहाँ पे है, अभी अपने अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रही है, अभी दिखाए ना जो करना है अभी करो। सर फरोसी हमारे तमन्ना क्या कह रही हैं, सर फरोसी की तमन्ना हमारे दिल में, देखते हैं केजरीवाल की ताकत कितनी है। देखिए लगातार यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के तमाम कर्मचारी हैं, जो मार्शल्स हैं, उनका प्रदर्शन चल रहा है और एक ही नारा है कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और धीरे धीरे करके तमाम जितने भी आपको यहाँ नजर आएंगे आते जा रहे हैं सिविल डिफेंस के जो मार्शल्स हैं, और अब दोबारा से इन लोगों की जो संख्या है वो यहाँ बढ़ती ही जा रही है, देखना ये होगा कि सरकार आखिर कब इनकी सैलरी देगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें झलक दिल्ली।